को मैं मौका नहीं दूंगी आइसक्रीम खाने का, खा के जवाब नहीं दिया। ऐसा काश है जो अभी तक पूरा नहीं। किसी ने रज के कुटना कुटना मुझको पानी में उतरने का इशारा करके, जा चुका चांद समंदर से किनारा करके, दर्द इबरत के लिए एक ही काफी था, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। आइसक्रीम खा रही थी लड़की, हम पहुंच गए इंटरव्यू लेने, इनसे अच्छी सी गपशप लगाते हैं सामने। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपको मैं मौका नहीं दूंगी आइसक्रीम खाने का, बाद में बात करूंगी, इतना खा ना सके, खा के जवाब नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम क्या करती हैं जी आप? मैं वेली रहती हूँ। वेली रहती है, कैसे इतना वेला रह लेती हैं? चलो एक चम्मच एक सवाल, ठीक है? हाँ जी, आसान हो जाएगा ना आइसक्रीम खाना, कैसे इतनी वेली रह लेती है? जॉब करती थी पहले मैं डाउनटाउन रेस्टोरेंट में मैनेजमेंट की, जॉब छूट गई, पढ़ाई भी छोड़ दी, वेले वेले रहने हैं। कितने टाइम से? 5 माह हो गए। 5 महीनों से वेले यार, तो क्यों नेक्स्ट जॉब करने का नहीं सोचा? पढ़ाई कंटिन्यू करने का सोच रही हूँ। बेस्ट आइडिया, गुड गुड गुड। क्या पढ़ना चाहती हैं? अभी तो मैट्रिक नहीं कंप्लीट है, वो करूँगी। मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं किया था तो जॉब की क्या नौबत आ गई थी? घर मसले मसाइल। तो अभी ओके हैं मसले कि आप स्टडी का सोच रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला सही ही रखे आपके घर के मामलात को। अच्छा मुझे बताएं, ज़िंदगी में कौन सा ऐसा काश है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। हाँ, किसी रज के कुटना कुटना किसको मारना चाहती हैं आप ज़िंदगी में? वो इंसान जो मतलब बचपन में मेरे खिलौने मेरा हिस्सा उसको मिलता। भाई को? भाई को। अच्छा भाई है ना, मैं समझ गई जो बचपन में आपने भाई है। भाई उससे नहीं बेचारी ने नाम लिया, मैं नाम ले गई कि भाई की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा तो उसको मारना चाहती हैं आप? कभी नहीं मारा? कभी नहीं मारा। छोटा आपसे? छोटा मेरे से। कभी कभी लाठियों से मार दो एक दा, अपना भी गुस्सा उतर जाए, उसको भी ना पता चले। मैं लाड़ में बड़ी जोर का मारती, मेरा हाथ बहुत जोर की लगता है। दिखाएं जरा 10 किलो का हाथ दिखाएं। लड़की खा तुम वो रही हो, हाथ पे तुमने केचप लगाए हुए हैं, ये क्या है? ये है, मैं ये चाट रही थी पहले। यार ये भी सही है। बनना क्या चाहते जिंदगी? एक अच्छी इंसान, बिजनेसमैन। बिजनेस करना चाहती? किस चीज़ का? रेस्टोरेंट। कौन सा, क्या खाना बनाना चाहती हैं वहाँ पे, बनवाना चाहती हैं? देसी, इटालियन, चाइनीज, फास्ट फूड? देसी और फास्ट दोनों। अच्छा जी, तो शेफ़ कहाँ से ढूंढेंगी? शेफ लाहौर से ढूंढूंगी, एक्चुअली मेरी अपनी टीम है। आपकी अपनी टीम है? कैसे? मेरे उस्ताद थे जिन्होंने, मैंने शेफ़ का कोर्स किया हुआ है, मेरे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे सिखाया, और जब मैंने रेस्टोरेंट बनाना है तो मैंने अपने उस्ताद को ही लेके आया और उनकी टीम लेके आनी है मैंने। उनकी टीम लेके आने, यार ये ऐसे स्टूडेंट्स होने चाहिए जो बाद में उस्तादों को याद रखते हैं ना। हाँ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ अपने उस्ताद की, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे ये बताया कि जो मर्जी हो जाए सच का साथ नहीं छोड़ना। ऐसे ही है। ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी से सीखा कुछ भी हो जाए सब्र करो, कुछ भी हो जाए सब्र करो। और मैं तो ये कहती हूँ कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी जब आपको लगता है कि यार ये क्या हो गया, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली मैं आपकी बात से एग्री करूँगी, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। अच्छा जी कुछ सुनाएंगे आप? शेर सुनाऊंगी, ठीक है? मैं पकड़ूंगी आप, अगर आप नाजुक हाथ है ना। मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप जब शेर सुनाते हैं ना तो बाद में लोग बहुत ज़्यादा लगाते हैं उसमें, बेशक मेरी शक्ल ना लगाएंगे लगाएं, आपका तो पूरा सही आए ना पोस्चर, इस वजह से आपको अच्छा दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू। अच्छा शेर के, मुझको पानी में उतरने का इशारा करके, जा चुका चांद समंदर से किनारा करके, दर्द इबरत के लिए एक ही काफ़ी था, हमने देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके। देखा ही नहीं इश्क दोबारा करके, ज़बरदस्त। किससे हुई थी मोहब्बत? मम्मा से। मम्मा से कोई लड़का वड़का नहीं मिला ना? नहीं बिल्कुल भी। ऐसा चाहिए? इज्जत करता हो। शादी के लिए पूछ? इज्जत करता हूँ, कमा मैं खुद भी लूँगी। इज्जत करने वाला चाहिए, कमा वो खुद भी लेंगी भाई। कमा मैं खुद भी लूँगी, इज्जत वाला होना चाहिए। आपकी वजह से मैचिंग होगी वो? यस बिल्कुल। चलिए अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम वेलकम। दोनों ट्विंस हैं? 3 ईयर्स। और आपको भी? 16। लाइक व्हाट? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आपको पसंद है? जब वो आने लगता है ना तो मैं कुछ ऐसी शक्ल बना लेती कि वो दूर ही हो जाता है। अभी कोई छेड़ने नहीं ना आया। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे।
बेवफा लड़के होते हैं लड़कियाँ, ए और बी के दरमियान क्या आप बताएं वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे 100 लोग जाते हैं वापस 101 आते हैं। बहुत खूबसूरत सी दो लड़कियाँ मौजूद हैं जी हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा एंड आपका? अक्सा। आयशा एंड अक्सा, आप लोग सिस्टर्स हैं? जी जी सिस्टर। फेस मुझे लग रहा था, लड़कियों की शक्लें वाकई क्यों इतना मैच होती हैं, लाइक दो अगर आप बहने हैं तो? ट्विन्स हैं ना। ट्विन्स हैं आप दोनों? ट्विन्स हैं जी। लेकिन आपने बड़ा यूनिक स्टाइल भी किया हुआ है। एक्चुअली बस ठंड थी तो इसकी वजह से। फिर वैसे ये सही है, लड़कियों का फैशन भी हो जाता है, ठंड को भी वो रोक लेती हैं, ऐसे ही है ना, पता नहीं चलता ठंड को रोक रही है या एक्चुअल में फैशन किया हुआ है, ऐसे ही है जी। अच्छा आयशा और अक्सा, कितनी देर होगी आपको इस दुनिया में आए हुए? इस दुनिया में आए हुए मुझे तो हो गए हैं 18 ईयर्स। और आपको भी? 16। लाइक व्हाट, सीरियसली? मैं वही सोच रही हूँ, अभी तो इन्होंने कहा कि हम ट्विन्स हैं, साथ ही कह रही कि मैं 16 की हूँ। मैंने कहा यार कि कैसे हो सकता है पॉसिबल। एक्चुअली बहुत फनी है ये, वैसे लग नहीं रही आप शक्ल। 18 ही है अंदर। कि आप वो बंदा शक्ल से कुछ लगता है, अंदर से कुछ होता है। इसकी तबीयत खराब है इस वजह से लग रही, वरना है बहुत शैतान। अच्छा जी, सही है। तो आप लोगों में से ऐसे होता है कि एक बीमार होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं? नहीं इतना खास नहीं, नॉर्मली होता है। अच्छा। हाँ फ्लू हो जाना बस इतना ही, अभी इसकी तबीयत खराब है। अच्छा। और नॉर्मली सा है मुझे, ज़्यादा नहीं, इतना नहीं होता है इफेक्ट। हाँ थोड़ा बहुत होता है। आप फिर इसको कहते हो यार जल्दी मेडिसिन खाओ इससे पहले कि मुझे हो जाए? अभी हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं। ऐसे ही आपने क्या ऐसा उठपटांग खाया कि आपको फ्लू हो गया? आजकल फास्ट फूड ही खा रही हूँ, कॉलेज जाते हुए यही होता है, खाना तो खाते नहीं हम लोग घर का। क्या पढ़ती हैं आप? अभी तो हम फर्स्ट ईयर में है। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ रही हैं? फर्स्ट ईयर में आईटी। आईटी, आईटी बोले तो कंप्यूटर, आईसीएस। ओके ओके, एफएआईटी। एफएआईटी में ही आ जाता है ना वो, आईसीएस आईसीएस में भी आ जाता है। लेकिन आप बताएं आप एफए कर रही हैं ना, एफए का मतलब क्या है? पता नहीं, एफए की एब्रीवेशन क्या है? भाई लाइक स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, इसलिए हम ऐसे सवाल कर रहे हैं। आई एम गेम गेम गेम। हम एक्चुअली स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं हम, लाइक नहीं नहीं, इसलिए एफ ए आई टी रखी हुई है। हम स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं इसलिए एफ ए। अच्छा जो आपको लगता है कि जो कम पढ़ते हैं वो फिर ये कर लेते हैं? हाँ ऐसे ही है। आप आई सी एस कर रही? आई सी एस एफ ए आई, मतलब सिंपल एफ ए आई टी। आई सी एस की एब्रीवेशन भी नहीं पता? कंप्यूटर। कंप्यूटर, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर थोड़ी, इंटरमीडिएट ऑफ कंप्यूटर साइंस भी है। जी कोई मसला नहीं है, होता है ऐसा। आपकी खूबसूरती का राज क्या है ये बताएं? खूबसूरती का राज, मामा पापा प्यारे हैं, हम भी प्यारे हैं। अच्छा जी, आपको भी बस यही है? और कोई नहीं? फूफो प्यारी नहीं है? हाँ फूफो भी अच्छी हैं सब। अच्छा कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आपको पसंद नहीं? चाचू। चाचू। ये वाकई में बहुत सच्ची इंसान है और बहुत शैतान है, आपने सही कहा था। क्यों चाचू क्यों नहीं पसंद? लोगों को तो फूफो नहीं पसंद होती, आपको तो चाचू? हमारी फूफो बहुत अच्छी है, फनी है। ठीक है, तो यानी कि आपकी फैमिली में जो फूफो का कैरेक्टर है वो आपके चाचू प्ले करते हैं? हाँ ऐसे ही है, समझ लें। आप स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं तो क्या स्पोर्ट खेलती हैं? टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। भाई तो आपको तो फिर अभी कोई सर्दी नहीं लग रही होगी? क्योंकि नहीं हमें सर्दी नहीं लग रही। ठीक हो गया। तो स्पोर्ट्स लड़कियाँ जो होती हैं उनके पास लड़के आने से अक्सर कतराते हैं, क्या हमें मारना पड़ जाए, बदतमीजी ना हो जाए, ये होती है? तो कुछ भी, मैंने भी इतनी हिम्मत नहीं है इसमें कुछ ज़्यादा है इन चीज़ों में। अच्छा जी, आप जवाब देती हैं? हाँ। तो कैसे डील करती हैं, लाइक अगर ये बंदा आया इसने आपको बोला कि आई लाइक यू या वट एवर समथिंग लाइक दिस, तो आप क्या बोलेंगे? पहले तो ये कि जब वो आने लगता है ना तो मैं कुछ ऐसी शक्ल बना लेती कि वो दूर ही हो जाता है। अच्छा, हाँ अभी बना के दिखाएं वो फेस, मतलब लाइक सीरियस हो जाना वो कैसे बनाऊंगा? अभी कोई छेड़ने नहीं ना आया, अभी ये भी नहीं कह सकते तुम छेड़ने आओ। अच्छा जी, सीरियस फेस बन जाता? हाँ सीरियस हो जाता है। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट, कोई गाना, कोई शायरी, कोई भी ऐसी चीज़? ये सिंगिंग करती हैं। सिंगिंग करती हैं? वाह, नॉर्मली करती हैं, ज़्यादा नहीं। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। कौन सा, कौन सा गाना? कोई सा भी गाना। ओके ओके। तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज़्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके, रही तेरे दिल में मगर, तेरी धड़कन तक ना जा सके, जुड़ के भी टूटी रहे इश्क़ की डोर वे।
किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे माही वे मोहब्बत सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ और है। थैंक यू सो मच। बहुत सुरीली आवाज़ है सीरियसली, लाइक मैं दिल रखने के लिए नहीं कह रही लेकिन वाकई में बहुत अच्छी आवाज़ है। थैंक यू।